मेरा नाम हमजा है और मेरा गेमर आईडी है हैवी ट्रिकर और मैं गुजरात सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं गेमिंग का करियर जो है तकरीबन अपने 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने फर्स्ट पर्सन शूटर्स गेम भी खेली हैं और काफ़ी सारी गेम्स भी मैंने खेली हैं, लेकिन मेरी जो सबसे फेवरेट गेम है वो इस वक्त जो है ना टेकन 7 है, और वो गेम मैं तकरीबन अपने बचपन से खेल रहा हूँ जो कि टेकन 1 सीरीज से है। टेकन 1 सीरीज से लेके अभी तक जो है ना मैं खेल रहा हूँ, मेरे दोस्त वो खेलते हैं, उनमें मुझे खेलने से ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा प्लेयर्स मिलते हैं, हमें ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं, हम डिफरेंट सिटीज़ में जाके डिफरेंट प्लेयर्स के साथ कम्पीट करते हैं, उसके साथ हमारा जो है ना एक ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है दूसरे प्लेयर्स के साथ, हमको ज़्यादा अच्छा लगता है कि दूसरे प्लेयर्स को डिफ़ीट करें। मेरे गेमिंग खेलने का जो शेड्यूल है वो मैं तकरीबन साथ जॉब कर रहा हूँ और जॉब से टाइम निकाल के तो हमको गेम खेलनी पड़ती है। गेम में हम तकरीबन प्रैक्टिस में जो मेरा टाइम होता है वो तकरीबन 3-4 घंटे मैंने उसको देने होते हैं, और तकरीबन सारा दिन जो है ना हमने जो हॉलीडे होता है हमारा उसमें हमने फुल डे गेम खेलनी होती है, दूसरों के साथ कम्पीट करना होता है, और हम मतलब चैलेंजेस को इनवाइट भी करते हैं कि हमारे साथ आप गेम खेलें, लेकिन बिजी टाइम में फिर भी कभी कभार गेम में मिसिंग हो जाती है, हम कुछ दिन नहीं भी खेल पाते, लेकिन फिर भी हम जो है ना पूरा टाइम देते हैं गेम को कि अच्छी तरह जो है ना इस गेम को हम टाइम दें, अपने गेम को बढ़ाएं, आगे दूसरे प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकें अच्छी तरीके से, ताकि दूसरे लोग भी हमको देखें और हमारे साथ कम्पीट करें और हम भी जो है ना अगले लेवल तक जा सकें। और दूसरा जो हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि टाकरा कप हुआ है, उसके बाद ईवो हुआ था, तो उसके बाद हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा सा पैदा हुआ कि हम भी जो है ना कम्पीट करें अदर चैलेंजर्स के साथ और जाके उनके साथ जो है ना चैलेंज करें, और हमारा भी कुछ जो है ना आगे नाम आए कि ये भी प्लेयर्स हैं और दूसरे प्लेयर्स के भी साथ भी हम चैलेंज करें, जैसे कि अवैस है, उसके बाद अरसलान है हमारे, और उसके बाद आतिफ भट्ट हैं, उनको हमारी एक विश है कि उनके साथ हम जो है ना कम्पीट करें, उनके साथ उनको डिफ़ीट करें। वहाँ पर अरसलान ऐश हमारे जो चैम्पियन हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और विनिंग भी किया, हमारे दूसरे प्लेयर्स भी हैं उन्होंने भी इसी तरह किया, और हमारे अंदर एक जज्बा सा पैदा हुआ कि हम भी एक बड़े स्टेज पर जाके परफॉर्म करें, पाकिस्तान को प्राउड फील करवाएं जैसे कि उन्होंने करवाया हुआ है इस वक्त, तो हम भी चाहते हैं कि हम बड़े स्टेज पे जाएं, उनके साथ कम्पीट करें बाकी सारे चैलेंजेस के साथ। कप में भी यहाँ पे टाकरा कप में भी प्लेयर्स आए थे, हमने उनके साथ कम्पीट किया, हमको काफ़ी अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है ना पाकिस्तान की जनरेशन जो आ रही हैं वो भी इसी तरह जो है ना इसमें कम्पीट करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गेमिंग स्कोप बढ़ रहा है, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं सब प्लेयर्स को ऐसे ही इसी तरह, तो हम भी चाहते हैं कि दूसरे प्लेयर्स भी इसी तरह ग्रो अप हों, बाकियों के भी स्पॉन्सर्स मिले और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बेसिकली हमारे इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे चैम्पियंस हैं अवैस हनी हैं, आतिफ भट्ट और अरसलान ऐश हैं, उनमें से मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं आतिफ भट्ट। मैं चाहता हूं कि अपनी गेम को इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि उनको जो है ना कम्पीट कर सकूं, ठीक है उनके साथ। तो दूसरा सेकंडली जो अवैस हनी हैं 2D करेक्टर्स के जो मास्टर हैं, उनके साथ मैं चाहता हूं कि कम्पीट करूं अपने नेशनल लेवल पे, और उनको कम्पीट करने के बाद जब मैं जाऊँ तो मेरी विश है कि मैं ईवो में जाऊँ और वहाँ पर बड़े स्टेज पर परफॉर्म करूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे उस्ताद हैं जैसे नी हैं और उसके बाद शनैल हैं, मैं चाहता हूँ कि शनैल के साथ हमारा मैच हो, मेरा जो है मैच उनके साथ हो, और मैं चाहता हूँ कि उनको भी डिफ़ीट करूँ, उनको उस लेवल पे जाके स्टेज पे बैठ के, ताकि दिली सुकून सा हो और पाकिस्तान को प्राउड फील करवाने के लिए।